टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले से पहले बड़ी बात कही है। सुपर 8 के मैच खेलने के लिए रोहित शर्मा काफी एक्साइटेड हैं। रोहित ने एक इंटरव्यू में बताया कि सुपर 8 के लिए टीम इंडिया तैयार है, टीम का हर खिलाड़ी कुछ नया करने की सोच रहा है। सुपर 8 में भारत को बैक टू बैक 3 मुकाबले खेलने होंगे। T20 वर्ल्ड कप के पहले राउंड में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने बताया कि सुपर 8 के बिजी शेड्यूल का खिलाड़ियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुपर 8 में भारतीय टीम को 5 दिनों के अंदर 3 मैच खेलने होंगे। रोहित का मानना है कि भारतीय खिलाड़ियों के लिए थकान जैसा कोई बहाना नहीं है। सुपर 8 के पहले मुकाबले के लिए विराट कोहली ने प्रैक्टिस सेशन में बिताया ज्यादा वक्त। प्रैक्टिस सेशन में विराट ने अपनी कमजोरियों पर किया काम। 20 जून को भारत का पहला मैच अफगानिस्तान के खिलाफ खेला जाएगा। यूएसए की पिचों पर विराट कमजोर साबित हुए थे। 3 पारियों में विराट ने सिर्फ 5 रन बनाए। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने किया बारबाडोस की पिच का मुआयना। जसप्रीत बुमराह से पूछा पिच के बारे में। बुमराह ने पिच को दिया ग्रीन सिग्नल। किंगस्टन ओवल के मैदान पर भारत ने 2 T20 मुकाबले खेले हैं। दोनों मैचों में भारत को हार का सामना करना पड़ा है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने भारतीय क्रिकेट मैनेजमेंट को सलाह दी है। वॉन ने कहा है कि विराट कोहली को ओपनिंग से तुरंत हटाया जाना चाहिए। वॉन ने बताया कि प्लेइंग 11 से शिवम दुबे को हटाकर यशस्वी जायसवाल को मौका देना चाहिए। वॉन ने आगे कहा कि विराट को नंबर 3 पर बल्लेबाजी करनी चाहिए और यशस्वी को रोहित के साथ ओपनिंग करनी चाहिए। वेस्टइंडीज ने अफगानिस्तान के खिलाफ बनाया T20 वर्ल्ड कप 2024 का सबसे बड़ा टोटल। निकोलस पूरन ने खेली 98 रनों की पारी। पावर प्ले में वेस्टइंडीज ने बनाए 92 रन। निकोलस पूरन ने T20 में रचा इतिहास। इंटरनेशनल क्रिकेट में 128 सिक्स किए पूरे, क्रिस गेल को पीछे छोड़ा। T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 का पहला मुकाबला अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला एंटीगुआ के नॉर्थ साउंड में होगा। लीग स्टेज में अमेरिका ने 4 में से 2 मुकाबले जीते थे, तो वहीं अफ्रीकी टीम ने अपने 4 मैच जीते थे। एंटीगुआ में दक्षिण अफ्रीका ने 2 T20 मुकाबले खेले हैं, जहां उसे दोनों मैचों में जीत हासिल हुई है। T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज मैच के दौरान केन्या के पूर्व क्रिकेटर ने फिक्सिंग करने की कोशिश की। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व केन्याई खिलाड़ी ने युगांडा के एक खिलाड़ी को अलग अलग फोन नंबरों से कॉल किया और संपर्क करने की कोशिश की। युगांडा के खिलाड़ी ने ICC के एंटी करप्शन यूनिट को इसकी जानकारी दे दी है। ICC बैटिंग रैंकिंग्स में इंडियंस वीमेन क्रिकेटर स्मृति मंदाना दूसरे नंबर पर पहुंच गई हैं। नंबर 1 पर इंग्लैंड की नेट सीवर ब्रंट हैं। स्मृति मंदाना टॉप पर काबिज होने के करीब पहुंच गई हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मैच में स्मृति मंदाना ने शानदार शतक बनाया था। स्मृति ने 127 गेंदों पर 117 रनों की पारी खेली। स्मृति ने श्रीलंका की चमारी अट्टापट्टू को पीछे छोड़ दिया है। इससे पहले चमारी अट्टापट्टू रैंकिंग्स में नंबर 2 पर काबिज थी। अमेरिका में पाकिस्तानी फैन को मारने पहुंचे हैरिस रऊफ। बीच सड़क हुआ जमकर हंगामा। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ झगड़े का वीडियो। हैरिस रऊफ अपनी पत्नी के साथ होटल के बाहर दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान एक क्रिकेट फैन से उनकी झड़प हो जाती है। फैन से नोकझोंक के दौरान कुछ लोकल लोगों ने किया झगड़े में बीच बचाव।